तो हमेशा ऐसे ही है ना। ऐसे थे एक दो लोग जिन लोगों को हर चीज से ना प्रॉब्लम था। ये ना मेरी छोटी बहन से जब पहली बार मिला ना, वो बोला कि अरे तेरी छोटी बहन तो विलेन टाइप है यार, मुझे तो डर लगता है बिकॉज माय यंगर सिस्टर इज वेरी सीरियस। हेलो समलो चश्तेले ओ नो आज यू आर देयर नो आई हैव टू स्पीक इन हिंदी नो। हाय एवरीवन, आज मेरा वीकेंड का व्लॉग है। हम दोनों ना कहीं डिनर करने जा रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो वेयर यू वी आर गोइंग। अभी घर से निकले हैं बट अभी हमें पता नहीं है हमें कहाँ जाना है। और इस आदमी को मैंने बोला था, लास्ट वीक भी बोला था, चलो व्लॉग बनाएंगे कहीं जाएंगे बाहर, और ये नहीं कर रहा है। तो आज मैंने फोर्स करके ये बना रहे हैं। मैं पता नहीं कहाँ जाना है खाना खाने के लिए। What do you want, vegetarian or non-vegetarian? Both. और वैसे आज सैटरडे है और कल संडे है, तो मंसूर तो दिल्ली जा रहा है एक हफ्ते के लिए, तो आई विल बी अलोन। ओह नो, आई वोंट बी अलोन, आई वोंट बी अलोन, बट ही इज गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम दिस संडे टिल नेक्स्ट फ्राइडे, तो पूरा एक हफ्ता ही वोंट बी हियर। सो सैड। पांच दिन? एक हफ्ता कहाँ हुआ? Still, it is एक हफ्ता only ना, Sunday to Friday is like similar to एक हफ्ता। तो but usually ये तुम कभी दिल्ली घूमे हो? मेरे साथ एक बार ही घूमे ना बस, उसके बाद कभी नहीं घूमा ना दिल्ली। हाँ बस एक ही बार। तो ये ना ऐसे like he used to go for trekking है ना, पहले trekking बहुत जाता था ये when he was very fit, तो ये trekking वैकिंग जाता था, तब वो उत्तराखंड लद्दाख भी गया ना trekking, लद्दाख वाला ट्रेनिंग गया, हिमाचल वाला ट्रैकिंग का सोल तक गया, फिर उत्तराखंड वाला ट्रैकिंग गया फ्यू टाइम्स, फिर उस टाइम पे वो रास्ते में दिल्ली पड़ता है ना, बट ही नेवर स्टॉप एट दिल्ली कि दिल्ली में रुकना है और शॉपिंग करना है, ऐसा कभी नहीं किया। तो लास्ट टाइम जब हम हिमाचल गए थे लास्ट ईयर 2022 में, तब फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा दिल्ली घूमा, आई मीन ही घूमा दिल्ली, मैं तो पहले से दिल्ली घूम के आई हूँ, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ये दिल्ली घूमा, अभी ये सेकेंड टाइम है। वैसे घूमने तो नहीं जा रहा है ये, बट ही इज गोइंग फॉर वर्क, ऑफिस के काम के लिए जा रहा है, तो घूमने का टाइम तो शायद नहीं मिलेगा, जाके काम ही करना पड़ेगा सैडली, बट फिर भी स्टिल सेम थोड़ा बेंगलोर से बाहर तो जा रहा है ना, अच्छी बात है ना। क्या कोरियन खाना तुझे? कोरियन खाना? कोरियन हम कल ही खाए थे, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने खाया। ओके। डोगा आया ना, तो आई हैड कोरियन फूड विद डोगा यस्टरडे। देन व्हाट डू यू वांट? तो आज तो नहीं खाऊंगी। क्या खाएगा? क्या खाऊंगी? तो अभी भी हम लोग घर से निकले हैं बट वी स्टिल डोंट नो कि हमें क्या खाना है, इसलिए मैं बोली थी ना व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी यू शुड डिसाइड कि हमें क्या खाना है, सो बाय द टाइम आई गेट रेडी हमें पता हो वेयर वी आर गोइंग। अभी हम ऐसे जा रहे रास्ते में, देखो रास्ते में जा रहे हैं बट हमें पता नहीं डेस्टिनेशन कहाँ है। ऐसा कौन करता है? देखो ऐसे जा रहे हैं, पता ही नहीं, ऐसे जा रहे हैं जबकि पता नहीं जा कहाँ रहे। अभी अगर थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि हमें यहाँ जाना है, व्हाट इफ वो रेस्टोरेंट अपोजिट जगह में हो, फिर वी हैव टू टेक अ यू टर्न एंड गो बैक। तो पहले से ना सोच के रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। देखते हैं, चल ऑन द वे कुछ अच्छा मिलेगा तो विल स्टॉप। ये पागल है। ओके थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हम डिसाइड करते हैं क्या खाना है, फिर मैं वापस कैमरा स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये ऐसा हम डिसाइड करते रहेंगे तो नहीं होगा। नो नो बाय। ओके वी जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज आई थिंक हम लोग पिज्ज़ा ही खाने जा रहे हैं, और कुछ ऑप्शन ही नहीं मिला। आई लाइक पिज्ज़ा बेकरी का पिज्ज़ा, तो वी आर क्रॉसिंग द रोड क्योंकि पिज्ज़ा बेकरी उस तरफ है। आ गया पिज्ज़ा बेकरी, ये रहा पिज्ज़ा बेकरी, मुझे पसंद है ये।
पिज्जा खाएंगे, पिज्जा 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 पिज्जा। अच्छा दिखता है ना प्लेस। पिज्जा बना रहे भैया, यही पे बना रहे। I'll show you guys the place. This is Pizza Bakery. ऊपर वाले फ्लोर में है, इट्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर और नीचे ऐसा है सड़क। मंसूर तो हाथ धोने गया एंड दिस इज द मेन्यू। थोड़ा अंधेरा टाइप है, दिखता है, दिख रहा है क्या? पिज्जा फर्स्ट गेट मी गार्लिक ब्रेड, क्लासिक गार्लिक ब्रेड वन एंड यही खाएंगे। इतने सारे लोग हैं। This is so nice. ये ना गोल्डन कलर है, दिख रहा है? नहीं दिखेगा वो। ये क्या है? मैंने हॉट चॉकलेट मंगाया था, उसके साथ कुछ आया है। I'm supposed to eat this separately or I should be? कौन सा? ये। That you're supposed to eat with hot chocolate. Or probably I think you dip it. I don't know. It's butter cookies, very buttery. Don't trust. No, but enough. Chocolate shake is very thick. Chocolate shake, nahin, hot chocolate. Yeah, but how is it? I have to try. Oh, you like this? Right. You will pucker like this. Right. This is like your type of hot chocolate. इतना ज़्यादा चॉकलेट है, इतना ज़्यादा ये फुल like melted chocolate type. और इसको ऐसा पसंद है. You like this, no? I guess ये मंसूर के लिए है, बिकॉज आई ओनली हैव लिटिल बिट। मेरे से इतना क्या बोलते हैं, ये बहुत खारा खारा है, मेरे से इतना तो नहीं खाया जाएगा। एक बात बताऊँ मैं ना, ये ऐसा नहीं खा सकता है जैसे हाउ ही इज ईटिंग, सो आई ऑलवेज, बट ये मुझे बहुत टीच करने की कोशिश किया, टिल नाउ आई डिडंट लर्न, आई हैव टू डू दिस। Very difficult. हाथ से खा। वही तो, हाथ से खाना है लोकल पीपल। ये क्या है? इसके साथ कुछ दिया है सॉस जैसा, पता नहीं नंगलो होता। तुम गार्लिक सॉस पिज्जा ले सो ले दे सावर जो पिज्जा रे लाइक गाली ब्रेड सा सब तंगी ये चॉकलेट रे सब हाय छोटा वाला पिज्जा या छोटा वाला पिज्जा सी हाउ ही इज ईटिंग हाउ आई एम ईटिंग मैं ऐसे खाती हूँ पार्टी रोल दीज आर टॉल डो पिज्जा खट्टा पिज्जा फिर को पता चाहिए पता नहीं ये क्या है पता है क्या पता
पेड़ से गिरा हो। I'm not eating. Whatever is there on my pizza, I'm eating that. I'm not eating yours. दोस्तों को हाय बाय बोलने जा रहे हैं, उसके बाद आई थिंक ही विल गो होम क्योंकि ही हैज टू गो ना, कल दिल्ली जाना है। उसने पैकिंग भी नहीं किया तो घर जाके पैकिंग भी तो करना है उसको। बिल भी आ गया। Why are you so serious? Checking tomorrow's plan. Dikhao na, it's so cute. Kya cute? Whatever you've written, I want to see. Show. Ek minute. Zoom karna padega to see this. You're going there. Okay. Tomorrow first is, what is this? Plan for tomorrow. 10:30, 12:30, 1:30 shower, 2:30 गाड़ी में जाना है, 2:45 क्या है टैक्सी, अच्छा टैक्सी मिल गया, 6 बजे फ्लाइट। दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। ऐसा कौन करता है बे? प्लानिंग। अभी जितना प्लान किया है ना सब कल फ्लॉप हो जाएगा, मुझे पता है। मिडल ऑफ द रोड में मैं वीडियो ले रही हूँ। कैफे कॉफी डे यहाँ पे है, पिज्जा बेकरी जेपी नगर। हेलो गाइस, तो अभी हम चाय पी लो। हाँ, क्या कर रहे थे? हाँ, अभी हम मंसूर के दोस्तों से मिल के आए। वो लोग ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेस्टो बार ऐसे कुछ जगह पे थे, तो हम दोनों गए और हम दोनों ये शॉर्ट पहन और नॉर्मल टी शर्ट पहना है, मैं भी टी शर्ट और पजामा पहनी हूँ। इट वॉज लाइक सिर्फ हम दोनों दुनिया, क्या बोलते हैं, दूसरी दुनिया के लोग हैं। सो देवर टेलिंग अस टू स्टे बैक थोड़ा वहाँ रहने के लिए, बट हम दोनों अभी खाना खाए ना तो पेट भी भर गया था, और फिर ऊपर से हम लोग वैसे कपड़े पहने भी नहीं थे, तो उन लोगों बस हाय बाय बोल के निकल गए वहाँ से। तो अभी नाउ वी आर गोइंग बैक होम, क्योंकि पहले ये मुझे घर छोड़ेगा, उसके बाद फिर अपने घर जाएगा, बिकॉज कल जाना है ना इसको, तो इसलिए उसको पैकिंग भी करना है। तो अभी हम दोनों रास्ते में हैं। कुछ बोलो, अभी तक आपसे कुछ बात नहीं किया, आप बोलो। क्या बोलो? कुछ ना कुछ तो बोलो। मैंने ये लाइट ऑन किया है क्योंकि लाइट ऑफ किया तो नहीं दिख रहा है हम दोनों का चेहरा, और ऊपर से देखो सीट बेल्ट भी पहनना है आजकल बेंगलोर में। वो साइड वाले पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनना पड़ता है ना, नहीं तो तुम्हें कितना रुपए चार्ज होता है? लास्ट टाइम 500 रुपए फाइन पड़ा था। अच्छा, वो है ना आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया इंडिया में। वो क्या बोलते हैं उसको, वो सिग्नल के ऊपर कैमरा रखा होता है ना, कैमरा, तो उससे ना अगर तुम सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो वहाँ से फोटो लेते हैं, और फिर वो क्या, वो फोन के ऐप में दिखता है ना, पुलिस वाले ऐप में, दैट द पर्सन वॉज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। फिर उसमें भी इसको एक बार फाइन आ गया था ऑलरेडी, तो दो बार आया ना फाइन, तो वहाँ से पे करना पड़ता है इसलिए। एनीवेज, तो कुछ बोलो अभी क्योंकि खाने के टाइम पे हम नहीं बोल सके, पीछे गाड़ी का साउंड बहुत ज्यादा था, ते 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 ते, तो हमारी बात तो सुनाई नहीं दे रही थी अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है बाद में गाड़ी में बात करेंगे। यस, तो कुछ बोलो। अभी हम बहुत पास हैं टेंजन के घर से, वी आर ऑन बड़कटा मेन रोड फ्रॉम हियर, इसका घर 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मेरे घर पास में ही है। और अब हम रॉन्ग वे में जाएंगे। रॉन्ग वे में क्यों जाने? अच्छा, रोड ब्लॉक है, रास्ता बंद है।
मैं ना जानबूझ के बोल रही हूँ इसको कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ, आई जस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने कैमरा में देखा और मुझे पता चला कि 99% ऑफ द टाइम सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ। ये तो हमेशा ऐसे ही है ना। So is that a good thing or a bad thing? Good thing, good thing. तू ही बात कर, मुझे मेहनत नहीं करना। हाँ ये तो गाड़ी चला रहा है ना, तो बात तो मैं ही करूंगी ना। Yes. तो गाड़ी चलाना है तो गाड़ी पे फोकस करना चाहिए ना। देखो फोकस कितना कर रही है। तो हम यूजुअली गाना फुल प्ले करके कोरियन सॉन्ग्स या फिर हिंदी सॉन्ग्स ऐसा प्ले करके जाते हैं, बट अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं जानबूझ के मैंने गाना प्ले नहीं किया, नहीं तो हम लोग का बातें कहाँ से सुनाई देगा तुम लोगों को। और फिर मैंने बोला था ना कि लोग पूछेंगे कि तुम बताओ हाउ यू मेट, ऐसा टाइप हाउ वी मेट और लव स्टोरी बताओ बोल के। मैंने ना इसको बोला था कि चलो वीडियो बनाते हैं, बट ही इज लाइक अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट हफ्ता बनाएंगे, नेक्स्ट हफ्ता बनाएंगे, ऐसे बोल के ना पोस्टपोन कर रहा है। तो वो पता नहीं क्या सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है। कमिंग सून इट सीम्स, क्या है सस्पेंस? तो ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों का ऐसा कुछ स्टोरी ऐसे नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। नॉर्मल स्टोरी। हां नॉर्मल लोग कैसे मिलते हैं विदाउट अ विलन? विलन है थोड़ा थोड़ा बीच में तो होगा, बट विलन है ना। कौन है विलन? याद है प्रीवियस कंपनी में कौन कौन था विलन जो हम लोग को मिलने नहीं देते थे, भूल गए क्या? I was not allowed to go near him. I was not allowed to talk to him. ऐसा था ऑफिस में कि you know एक दूसरे से बात नहीं करने देते थे, क्योंकि हम लोगों का मतलब डिपार्टमेंट तो सेम है, बट एक डेस्क, हम मेरे डेस्क से उसके डेस्क तक हम नहीं जा सकते। लोग बोलते थे कि डिस्टर्ब करते, डिस्टर्ब मत करो एक दूसरे को, ऐसा टाइप। बट हाँ ऑफिस में अलाउड नहीं था, बट इट इज मोर लाइक अब काम को कौन डिस्टर्ब होगा, काम तो वैसे भी हम कर रहे हैं ना, बट फिर भी लोगों को बहुत ऐसे थे एक दो लोग जिन लोगों को हर चीज से ना प्रॉब्लम था, मैं जो भी करूँ उससे प्रॉब्लम था, और मुझे भी वो लोग नहीं पसंद थे, वो लोगों को भी मैं पसंद नहीं थी। Yeah. थोड़ा ऐसा टाइप था ऑफिस में। तो ऐसा टाइप स्टोरी थोड़ा थोड़ा है एक्चुअली, अगर हम बैठ के बताने बैठ जाए तो फिर तो वो एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 पार्ट बन जाए उसमें, है ना। इतने सारे पार्ट्स बन जाएंगे। बट हाँ अभी तो ये दिल्ली जाने का प्रिपरेशन सब चल रहा है ना, तो ये नहीं बनाएगा ये हफ्ता, क्योंकि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मोस्टली नेक्स्ट हफ्ता जब ये वापस आएगा तब अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम बैठ के स्टोरी सुनाएंगे सबको। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये हफ्ता मतलब कुछ ना कुछ तो वीडियो डालना ही होगा ना, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार हम दोनों जब वीकेंड को खाना खाने जाएंगे व्लॉग बना लेंगे, तो स्टोरी तो हम नेक्स्ट हफ्ता बना लेंगे, नेक्स्ट हफ्ता जब ये वापस आएगा तब बनाएंगे। बट हम विलन का नाम नहीं ले सकते ना। विलन का हम नाम तो नहीं ले सकते, बट तुम लोग बस एज्यूम कर लो कि देयर इज समबडी। वैसे भी नाम लेके तुम लोग कौन किसको पहचान लोगे, है ना, हमारे ऑफिस लोगों को कौन पहचानेगा, कोई भी नहीं। पर देर आर पीपल जो मेरे से नफरत करते थे और मैं उनसे नफरत करती थी, और मतलब इतना नफरत हो गया था कि आई वॉज लाइक अरे खून कर दूंगी उसका, ऐसा टाइप है ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा, ऐसा टाइम आया था कि मैंने बोला था कि अरे काश मुझे काला जादू आता तो मैं काला जादू कर देती इस पे, ऐसा टाइप हुआ था। तो मैं हमारे प्रीवियस ऑफिस में जब हम दोनों साथ में काम करते थे तो थोड़ा थोड़ा टॉर्चर वहाँ पे भी हुआ था, बट वो सब तो बाद में मैं स्टोरी में बताऊंगी, जब हम स्टार्टिंग से बताएंगे ना फिर तुम लोगों को समझ में आएगा। मैं ऐसे ही बोलेगी तो किसी को नहीं समझ में आएगा, है ना। अभी भी देखो चुप ही बैठा है, ऑल द टाइम आई एम ओनली टॉकिंग, ही ओनली लिसन्स टू मी, बट व्हिच इज गुड, है ना, अच्छी बात तो है ना। वन पर्सन शुड टॉक, अनदर पर्सन शुड लिसन। जब आप लोग स्टोरी बता रहे हैं ना तब मैं बात करता हूं। नहीं मुझे पता है, तब तक मैं एनर्जी रिजर्व करके रखता हूं पूरा। स्टोरी बताएगा बोलेगा एंड देन 99% ऑफ द टाइम आई विल बी टॉकिंग एंड जस्ट सिट इन द कॉर्नर स्टेयर इन द कैमरा। बट उसमें ना यू हैव टू टॉक, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेल योर पर्सपेक्टिव, बताना है ना कि तुम्हारे साइड से तुम्हें कैसा लगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें पूछू कि पहली बार तुम्हें मेरी सिस्टर्स से मिलके कैसा लगा, पहली बार तुम्हें मम्मी पापा से मिलके कैसा लगा। कौन सी सिस्टर? ऐसा ट्विन या छोटी वाली? दोनों, जब भी तुम उनसे मिले हो ना 4-5 साल पहले। छोटी से मिलके डर लगा मुझे। हाँ ये ना मेरी छोटी बहन से जब पहली बार मिला ना
वो बोला कि अरे तेरी छोटी बहन तो विलेन टाइप है यार, मुझे तो डर लगता है बिकॉज माय यंगर सिस्टर इज वेरी सीरियस, ऐसा है कि उससे तो कोई बात नहीं कर सकता, अभी वो टीचर है, वो एक्चुअली टीचर का रोल उसको सूट करता है. तो शी वॉज वेरी सीरियस इनिशियल डेज में, तो इसको डर लग गया, वो बोले अरे तुम्हारी सिस्टर तो बहुत सीरियस है, बात ही नहीं करते है, क्योंकि यंगर सिस्टर इज ऑपोजिट टू डोगा, डोगा जैसे नहीं है, डोगा इज लाइक वेरी केयरफ्री. मेरी जो ट्विन सिस्टर है वो इज लाइक वेरी काम ऐसा है, पागल जैसा है, बट यंगर सिस्टर इज लाइक टोटली ऑपोजिट, बहुत सीरियस है. तो फिर ये पहले डोगा से मिला था, फिर जब यंगर सिस्टर से मिला तो ये इसको तो डर लग गया, तो ये जब भी मेरे से मिलने आता था बोलता था कि यंगर सिस्टर तो नहीं है ना घर में, क्योंकि उसको अजीब सा लगता था, ऑकवर्ड. बट अभी मिल के अभी कौन सा बेहतर है, यंगर सिस्टर बेहतर है डोगा बेहतर है, ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, समझ के जवाब देना, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर मैं जवाब दूंगा तो. देखा बहुत चालाक है, अगर किसी का भी नाम लिया ना, इन दोनों मुझे खाना बना के देते हैं तो. हां दोनों, आई कैन नॉट, वो तो सही है, मेरे दोनों बहनें हैं ना, मेरे लिए कुछ नहीं बनाते बट इसके लिए तो बगा बनाता ही है. डोगा तो घर में कभी कभी वंस इन अ व्हाइल खाना बनाएगा, और जब मंसूर घर आएगा तब वो पैनकेक ये वो स्पेशल बनाएगा मंसूर के लिए, मेरे लिए भी बनाता है. और मम्मी भी ऐसे ही है, मंसूर आएगा तो मम्मी वो चिली चिकन बनाओ, मोमो बनाओ, जबकि उसको मोमो पसंद ही नहीं है, बट मॉम को पता नहीं था ना उस टाइम पे. बट बेचारा फिर भी खाया मोमो. बट एनीवेज, तो हाँ ऐसा है, बहुत सारे स्टोरीज है जो हम सुनाएंगे. अब एनीवेज वंस ही इज इन द चैनल, वो आता जाता रहेगा ना, तो हम बीच बीच में स्टोरीज ऐसे वैसे सुनाते रहेंगे, तो तुम लोग भी देखते रहो. yes. है ना. yes. We reached. हाँ घर भी पहुंच गए हैं, बहुत पास में ही है, इट्स लाइक ओनली फ्यू किलोमीटर्स. अब मुझे ड्रॉप करेगा ना, फिर ये अपने घर जाएगा. देखो एक्चुअली ब्राइटनेस थोड़ा कम है, बट आई इंक्रीज द ब्राइटनेस, और पूरा लाइट पूरा ऑन करके रखा है मैंने. पहुंच गए घर. यू आर गोइंग डायरेक्टली और यू आर कमिंग अप? आई विल गो डायरेक्टली. यू डिडंट गेट बैग और एनीथिंग? नहीं लाया मैंने, कुछ नहीं लिखा. अब पहुंच गए हम घर. अब मैं ऊपर जाएगा, फिर ये अपने घर जाएगा, फिर पैक करेगा. कुछ भूल मत जाना जाते टाइम भी, आधार कार्ड सब तो वैसे भी वॉलेट में रहते हैं ना. कपड़ा पूरा अभी पैक करेगा ना. और ऑफिस का लैपटॉप भी लेके जाना है ना तुम्हें. ऑफिस का लैपटॉप, चार्जर, आईडी कार्ड भूल मत जाना. आईडी कार्ड के बिना तुम्हें वहाँ पे अलाउ भी नहीं करेंगे. और क्या है, लिस्ट भेज दे तू मुझे, क्या क्या लिस्ट क्यों भेजू, ये सब रिमाइंडर करने वाली चीजें, मैं बस रिमाइंड कर रही हूँ कि ये सब चीजें मत भूलना when you are leaving आज. okay. अच्छा कैमरा को बाय बोलो. बाय गाइस. अभी नेक्स्ट वाला, जब ये नेक्स्ट हफ्ता वापस आएगा तब विल मेक क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग वाला वीडियोस तब बनाएंगे एक हफ्ते के बाद. ठीक है, प्रॉमिस करो, नहीं तो तुम पे कोई भरोसा नहीं है. तुम लास्ट हफ्ते, दो हफ्ते पहले बोले थे बनाओगे. मैंने क्या बोला? एंड यू टोल्ड दैट विल मेक दिस वीक, बट यू डिड. मैंने नहीं बोला, इस पे कोई भरोसा नहीं. अगर ना नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं डाला ना, तो इस आदमी को ब्लेम करना, मेरी कोई गलती नहीं है. बाय बोलो. बाय 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 बाय. दिल्ली में अच्छे से जाके अच्छे से आना. दिल्ली में दिल्ली में एक हफ्ता मजा करना, मजा मत करना, काम करना. बाय बाय बाय. आई इरिटेट हिम लाइक दिस एवरी डे. बाय बाय. बाय. He won't go. ये ना नहीं जाता है. दिखाती हूँ मैं तुम लोग को. I told you ये वापस आया ना, ये ना, ये जब भी मुझे छोड़ता है ना, नीचे वेट करता है और तब तक नहीं जाता है जब तक मैं गेट के अंदर ना चले जाऊँ.
देखना अभी अभी जाएगा। बाय। जब तक मैं गेट के अंदर घुस के गेट का डोर मत नहीं बंद करूंगी ना, तब तक वो नहीं जाएगा।